हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके विदार के। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के पर्व त्यौहार एवं मेले। आपको बता दें कि हमारे भारत में बहुत सारे जाति धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के पर्व और त्यौहार को मनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के मेले जो है यहाँ पर लगते हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो है कंपटीशन लेवल में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर टोटल जो है 25 से अधिक जो है क्यूज करने वाले हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं, तो किसी भी तरह की यदि परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप उसको यहाँ से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ओणम जो है केरल राज्य का जो है प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सही उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न जो आपका है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, असम राज्य का। ये देखिए, जो रंगोली बिहू है ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बहुत जगह आपको यहाँ पर रंगोली स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा बिहू। ठीक है, कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये आपका असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, देखिए बैसाखी जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सही उत्तर आपका होगा पंजाब का। पंजाब का जो है ये बैसाखी जो है ये यहाँ की प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, पंजाब में बैसाखी जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है विशु पर्व भारत के अधिकतम कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक विशु पर्व जो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम जो है यहाँ पर लोसांग उत्सव को मनाया जाता है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि लोसांग उत्सव, यानी कि सिक्किम का जो मेन उत्सव जो है, प्रमुख उत्सव जो है वो कौन सा है, तो लोसांग है। ठीक है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। कालचक्र उत्सव जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में जो पर्व मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्रिसमस। ईसा मसीह जो है इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला जो पर्व होता है वो क्रिसमस होता है। अगला प्रश्न आपका है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वो कौन सा है। तो इसको कहा जाता है ईस्टर। ईसा मसीह की पुनर्जीवित होने की स्मृति में जो पर्व मनाया जाता है उसका नाम आपका ईस्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार कौन सा है। बसंत आने की एक नाम नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि मौसम है। ठीक है, तो इसका स्वागत करने वाला भारतीय त्यौहार जो है बसंत पंचमी है। ठीक है, आने की सरस्वती पूजा, इसको बहुत जगह लोग इसको जानते हैं। जैसे आप यूपी बिहार झारखंड से होंगे तो आपको पता होगा बसंत पंचमी जो है बसंत का स्वागत करता है भारतीय त्यौहार है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन में। उज्जैन देखिए मध्य प्रदेश का एक शहर है और यहाँ पर जो है कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है रथ यात्रा का बृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो देखिए रथ यात्रा जो है पुरी में, ये जो रथ यात्रा का बृहत उत्सव जो है पुरी में आयोजित होता है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर रथ यात्रा हुआ था। और यहाँ पर देखिए पुरी ये कहाँ पर है, तो ये आपका ओडिशा राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो यहाँ के सीएम जो है वो नवीन पटनायक हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा करौली में। करौली में जो है लगता है केला देवी मेला। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और ये यहाँ पर फरवरी महीने में लगता है। ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान में। मेला का नाम क्या है, पुष्कर मेला। अगला प्रश्न आपका है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था किस वर्ष में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1990 ईस्वी में जो है ये जो है सम्मान में, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो 1990 से लागू हुआ है। मुगलों ने नवरोज का उत्सव, यानी कि मुगलों ने नवरोज का जो त्यौहार लिया है वो किन से लिया है। तो ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार जो है पारसियों से लिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए आपका चपचारकूट त्यौहार मेला, ये जो है त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो चपचारकूट त्यौहार जो मनाया जाता है वो मिजोरम में मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन
भी हो जाएगा। देखिए बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है, सही उत्तर आपका हो जाएगा देवी धुरा में। देखिए बग्वाल मेला जो है ये आपका देवी धुरा में लगता है, ठीक है। और देवी धुरा कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरेला जो है ये क्या है, तो देखिए हरेला जो है एक त्यौहार है, ठीक है। हरेला जो है एक त्यौहार है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक हिंदू पर्व है जिसको थारू जनजाति के द्वारा जो है इसको शोक के रूप में मनाया जाता है, सही उत्तर आपका दीपावली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, सही उत्तर आपका हो जाएगा श्रावण माह में। छोटी तीज का त्यौहार जो है हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर, सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ये त्रिपुरा में। बाबा गरिया पूजा त्यौहार जो है त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर, सही उत्तर आपका हो जाएगा आगरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है, सही उत्तर आपका होगा छठ में। और छठ जो है यूपी बिहार और झारखंड यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। और छठ पूजा में जो है सूर्य की जो है उपासना की जाती है, ठीक है। और ये छठ पूजा में की जाती है सूर्य की उपासना। अगला प्रश्न आपका है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, सही उत्तर आपका होगा देवी धुरा मेला में। उत्तराखंड में जो है दो गुटों में पत्थर फेंकने की प्रथा यहाँ पे प्रचलित है, किस मेला में, देवी धुरा मेला में। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, सही उत्तर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। पोंगल जो है तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। और आपका जो अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका झारखंड से हो जाएगा। सरहुल जो है प्रकृति का पर्व है और यहाँ पे झारखंड में बड़े ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 27 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।